साइबर ठगी करने वाले 11 आरोपियों को साइबर सेल और स्वाट टीम की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने 9,10,000 नगद, दर्जनों सिम, दर्जनों पासबुक, क्लोन मशीन सहित अन्य संदिग्ध सामानों को भी पुलिस ने बरामद किया है। इस संबंध में पुलिस लाइन व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया कि आज जो है 11 अपराधी साइबर अपराध से जुड़े अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। जिले के साइबर सेल और स्वाट टीम एसपी क्राइम के नेतृत्व में काम करके 11 लोगों को गिरफ्तार किए। इनसे 9,10,000 बरामद हुआ। तमाम सिम, तमाम सेल फोन्स, तमाम पासबुक और फिंगरप्रिंट के जो क्लोन्स है, आधार कार्ड नंबर्स है, एटीएम कार्ड से सब बरामद हुए हैं। ये लोग साइबर अपराधी हैं। ग्राहक सेवा केंद्र के नाम से अपना आईडी रजिस्टर करा के आधार एवं फिंगरप्रिंट की डेटा रजिस्ट्री कागज़ों से, सरकारी वेबसाइट के जो ई स्टैम्प वाला वेबसाइट से रजिस्ट्री के कागज़ से स्टैम्प उठाना या फोटोकॉपी के दुकान चलाते हैं उस कागज से रजिस्ट्री के कागज़ से फिंगरप्रिंट उठाना, इस तरह से तमाम माध्यम से आधार कार्ड एवं फिंगरप्रिंट के छाया प्रति चोरी करके उसको क्लोन करके उसे मोल्ड बना के उससे आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम जिस खाते का है उस हर खाते से जो भी इनके द्वारा डेटा चोरी किया गया उनसे पैसे ऑनलाइन अपने फर्जी खाता बना के ट्रांसफ़र करा के अपराध घटित किया गया है। इनके कब्जे से लगभग 9,10,000 के करीब कैश भी बरामद हुआ है। ये लोग काफ़ी दिन से अपराध कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना के अनुसार साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में ये लोग पकड़े गए हैं, एक बहुत बड़ा सफलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सभी लोग अपने आधार कार्ड को सुरक्षित रखिएगा, आधार कार्ड को अनावश्यक किसी को न दें। ग्राहक सेवा केंद्र में सोच समझ के अपने विश्वसनीय जगह पे ही करा जाए। एम आधार एक ऐप आता है जहाँ पे आप लोग अपना आधार रजिस्टर करके वहाँ बायोमेट्रिक डेटा एनेबल्ड ट्रांजैक्शन को आप रोक सकते हैं। जब आपको खुद का करना हो तब उसको एनेबल करके तब करें, जब आपका काम नहीं पड़ता उस डेटा यूज्ड आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को डिसेबल करके रखें।